दर्दनाक ट्रेन हादसे में 46 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है। तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन के टकराने से ट्रक के पर खच्चे उड़ गए। अमेरिका में सोमवार देर रात बड़ा रेल हादसा हो गया। तेज स्पीड से जा रही पैसेंजर ट्रक फाटक पर खराब खड़े ट्रक से टकराकर डिरेल हो गई, जिससे 46 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात एक पैसेंजर ट्रेन अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की शिकागो जा रही थी, तभी मिसौरी इलाके में रेलवे फाटक पर खराब खड़े ट्रक से वो तेज स्पीड के साथ टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही ट्रेन अपनी पटरी से उतरकर डेरेल हो गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 6 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया। घायलों की मदद कराने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सर्विस, मेडिकल हेलीकॉप्टर सर्विस समेत 20 से ज्यादा एजेंसियां लगी हुई है। पीड़ितों की मदद कराने के लिए पहली इमरजेंसी टीम 20 मिनट से ही मौके पर पहुंची थी। एक यात्री के मुताबिक अपने स्लीपर रूम में वे सोए थे, उसी दौरान ये क्रैश की घटना हुई। घटना के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके बाद डिब्बे पलट गए, जिससे यात्री उसमें ही फंसे रह गए। टक्कर होते ही ट्रेन को जोरदार धक्का लगा, सभी यात्री जोरदार झटके के साथ सीट से नीचे गिर गए। इस ट्रेन में बॉयज स्काउट की एक टीम भी सफर कर रही थी, जिसमें कुल 16 छात्र थे, लेकिन संयोग से किसी भी स्काउट को चोट नहीं लगी। घटना के बाद बॉयज स्काउट ने घायल यात्री को ट्रेन से निकाल कर उनकी मरहम पट्टी की और अस्पताल पहुँचाने में मदद की। रिपोर्ट मेट्रो। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।